राधे राधे फ्रेंड्स, आई एम तनिष्या बट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, अभी विंटर सीजन आ गया तो मैं आपके साथ टॉप 10 विंटर्स के लिए क्रीम शेयर करने वाली हूँ। हम सारे सीजन में बिना मॉइस्चराइजर एंड क्रीम के रह सकते हैं, बट विंटर्स में नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता कि हम बिना क्रीम को अप्लाई करें रह जाए, हमारी बॉडी क्रीम ना मांगे। हमें गर्मियों में भी अप्लाई करना चाहिए, बट विंटर में तो ज़रूर ही अप्लाई करना चाहिए। कुछ भी हो, टाइम निकाल के अगर हम अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करते तो बहुत ज़्यादा फटी सी हो जाती है, हमारे हैंड बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है। चलो, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाउ का उपटन बॉडी लोशन। इसका प्राइस के अकॉर्डिंग सारे टॉप 10 प्रोडक्ट लिए मैंने, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना आपके फेवरेट कौन से हैं। मेरे तो 10 के 10 फेवरेट है, मैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी, हमें बॉटल इस तरह के पंपिंग वाले उसमें मिलती है, मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसमें एकदम उपटन वाली स्मेल आती है और ये इजीली हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से कोमल एंड सॉफ्ट सॉफ्ट से हैंड मिलते हैं इसे अप्लाई करने के बाद में। ये मैंने इसको अप्लाई कर लिया, ये मेरी स्किन में इतनी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये लोशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मैं अपनी हाथ पैर पर मसाज करने बैठती हूँ तब मैं इसी को अप्लाई करना पसंद करती हूँ। और इसका प्राइस है 399 रुपीज़। ये आपको डिस्काउंट के टाइम पे 300 का आराम से मिल जाएगा और ये 400 ml है। फिर सेकेंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक्मे का पीच मिल्क। 24 आवर्स हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर लॉक रखता है, ये मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है। ये देखो, इसको मैं इतना अप्लाई करती हूँ, अब आप इसको देख के पता ही लगा लियो कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। सीरियसली, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगता। इसकी फ्रेगनेंस इतनी प्यारी है, इतनी ज़्यादा प्यारी, एकदम मीठी मीठी इसकी फ्रेगनेंस है। ये जो भी मैं बॉडी लोशंस आपको शेयर कर रही हूँ, क्रीम शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ट्राई कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही ट्राई कर सकते हैं इसको। मैंने यही सब देख के सारे बॉडी लोशन एंड क्रीम लिए। अब मैं क्योंकि कॉमन प्रोडक्ट पे वीडियोस बना करूँ, क्योंकि बॉयज़ के भी बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आप हमारे लिए भी कुछ बनाओ, तो मैंने इसी को सोच के सारे प्रोडक्ट लिए। ये जो लैक्मे पीच मिल्क, आप इसको विंटर्स में एंड समर्स में दोनों में यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस नहीं होती, बट ये हल्का सा हमारी स्किन को इतना अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करता कि मैं ये नहीं बोलूँगी आप इसको विंटर्स में बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, बट विंटर्स में आप इसको फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये लैक्मे पीच मिल्क। इससे आप अपने फेस की बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हो। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ा सा कुछ, मैंने डिफरेंट चीज़ें ली हैं, सेम टू सेम एक भी प्रोडक्ट नहीं लिया है। फिर ये एम कैफिन का कोको बॉडी बटर। ये बॉडी बटर हमारी स्किन में ऐसे अब्सॉर्ब हो जाते हैं, इसका नाम ही बॉडी बटर है। इसको लगाने के बाद हमारी स्किन एकदम बटर जैसी लगती है। अभी मैंने इसको ओपन करा है, मुझे एकदम से चॉकलेट एंड कॉफ़ी वाली वही स्मेल आने लगी। इसकी फ्रेगनेंस तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने हैंड पे या कहीं भी, इतना बटरी, इतना सॉफ्ट, इतना इजीली हमारे स्किन के अंदर इतना क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है। इसको हमें बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना पड़ता, बहुत अच्छा है ये। हमारी स्किन को 72 आवर्स मॉइस्चराइज रखता है। यस, अगर आपने इसको एक बार अप्लाई कर लिया, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से 72 आवर्स ही मॉइस्चराइज रखता है। ये बात इन्होंने एकदम ठीक बोली है। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, अच्छी खासी क्वान्टिटी है। एक बोटल एक विंटर्स के लिए तो आराम से चल ही जाएगी। फिर मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निव्या का ये कोको नरिश डीप मॉइस्चराइजर केयर सीरम। ये बॉडी लोशन सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज सारे ही बॉडी लोशन अच्छे हैं, मैंने टॉप 10 ही लिए थे कि इनके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन पिक ना करना पड़े। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सब पे अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप उनको जाके बाय कर सकते हो। मैं चेक करूँगी मंत्रा पे ज़्यादा डिस्काउंट एंड ऑफर्स होंगी, तो मैं मंत्रा के लिंक डालूंगी। अगर मनाइका पे होंगे या पर्पल पे होंगे तो मैं उधर के लिंक्स डालूंगी। फिर मैं इसको भी अप्लाई करती हूँ। निव्या के प्रोडक्ट्स होते हैं, मुझे इनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इनकी जो फ्रेगनेंस होती है बहुत लाइट सी होती है, ना डार्क फ्रेगनेंस होती है, ना बहुत ज़्यादा कम होती है और इजीली ब्लेंड हो जाता है। निव्या के प्रोडक्ट्स बॉयज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं एंड गर्ल्स के लिए। निव्या ब्रांड मेरी फेवरेट
है अपनी बॉडी स्किन केयर के लिए। मैंने एक निव्या की अलग से वीडियो भी बनाई हुई है स्किन केयर के ऊपर, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है सीरियसली निव्या के। मैं इनको बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ। निव्या के प्रोडक्ट्स ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग भी अच्छे हैं, वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी इजीली बहुत ब्रांड हो गया और इसका प्राइस भी बहुत मिनिमम है, हर कोई इसको बाय कर सकता है। फिर सेकेंड मैं आपके साथ एक और निव्या का ही प्रोडक्ट शेयर करने वाली, निव्या की सॉफ्ट स्किन फेस एंड हैंड क्रीम। ये आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड हैंड पे भी। अगर आप इनको बॉडी लोशन को अपने फेस पे अप्लाई करोगे थोड़े से हार्ड होते हैं, तो मैं थोड़ा आपको इतना सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको फेस के लिए लेना है एंड बॉडी के लिए दोनों के लिए, तो निव्या की आप ये निव्या सॉफ्ट क्रीम ले सकते हो। मैं अपने मेकअप बेस से पहले, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, मैं हमेशा पहले इसको ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ, तो बेस के लिए मैं इसी को अप्लाई करती हूँ। बहुत अच्छा है ये भी सीरियसली, मैं इसको विंटर्स एंड समर्स में दोनों में ही अप्लाई करती हूँ अपनी बॉडी के ऊपर। फिर मैं आपको एक सबसे बेस्ट ऑप्शन देने वाली हूँ, ये मैंने बॉडी की ऑप्शन दे दी। अगर आप इनको बाय नहीं कर सकते हो या आपके पास ये नहीं है, तो आप कोई भी मसाज क्रीम बाय कर सकते हो। कोई भी मसाज क्रीम, यस, हल्का सा मसाज क्रीम के अंदर कुछ ड्रॉप्स वाटर की मिक्स करो और उसको अपने हैंड्स पे अच्छे से अप्लाई करो। उससे ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। आपकी स्किन भी डेली मॉइस्चराइज हो जाएगी, मसाज हो जाएगी उसकी, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बन जाएगी। इसीलिए मैंने एक आपको मसाज क्रीम सजेस्ट करी है। ये मसाज क्रीम मैं अभी सदर मार्केट गई थी, मैंने आपको एक हॉल शेयर करा था, उसमें मैंने बोला था ये ज़ारा की मसाज क्रीम है। मेरे को इसका ऑनलाइन मैंने चेक नहीं करा, मैं भूल गई थी। अगर मेरे को इसका ऑनलाइन लिंक मिलता है तो मैं पक्का आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। अदरवाइज आप कोई भी मसाज क्रीम ले सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट की मसाज क्रीम ले सकते हैं। ये तो मेरे पास कॉफ़ी वाली मसाज क्रीम है। सीरियसली अगर मैंने इसको वहाँ पे एक बार ट्राई कर लिया तो मैं इसकी पक्का कम से कम 5-6 बॉक्स तो लेके ही आ जाती। जब इसको हम ब्लेंड करते हैं, इसको वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी इजीली ब्लेंड हो जाती है। इसकी फ्रेगनेंस गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं प्रेगनेंस चेक करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेती हूँ, आपने देखा भी होगा मैं इतनी सारी वीडियोज़ बनाती हूँ, तो प्रेगनेंस की बात तो ज़रूर करती हूँ। क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, खाने को आंखों से देख के खाते हैं और फ्रेगनेंस देख के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं फ्रेगनेंस सबसे पहले ट्राई करती हूँ। अब हमने कुछ थोड़ी सी बॉडी की बात कर ली, फेस पे मॉइस्चराइज जर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट मॉइस्चराइजर, ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर। ये ऑरेंज फ्लेवर में है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी, हल्का सा कॉस्टली है बट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सीरियसली अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं इसको काफ़ी ट्राई करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, जब मेकअप से पहले भी और उसके बाद में जब मैं अपना मेकअप को रिमूव कर देती हूँ, तब भी मैं इसको अपनी पूरी स्किन केयर पर अप्लाई करती हूँ। फिर मैं विंटर्स में एक और क्रीम को अप्लाई करती हूँ, जो है गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम, जो हमें फेयरनेस का ग्लो देती है। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छे, मैंने इसको बहुत अप्लाई करा है। मैं इसके 5-6 बॉक्स तो अभी तक अप्लाई कर ही चुकी हूँ। विंटर्स आते ही मैं इसको दिन में 2 बार अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ। जब तक मैं इसको अप्लाई नहीं कर लूँ तो मुझे लगता है मैंने अपनी स्किन केयर में कुछ भी अप्लाई ही नहीं करा। इतनी अच्छी क्रीम लगती है ये मुझे बहुत ज़्यादा। इसमें हल्की सी कोकोनट जैसी स्मेल आती है, बट इन्होंने इसका नाम दिया हुआ है डे क्रीम। ये डे क्रीम तो नहीं है, डे क्रीम जो होती है मेरे को एक मुझे समझ नहीं आता कि डे क्रीम कैसी होती है। मतलब जिसको हम अपनी स्किन को प्रोटेक्टिव रखें सन से, वो होती है, या जो हमें फेयरनेस देती है वो होती है। मैं फेयरनेस के लिए सीरियसली कोई भी क्रीम कभी भी अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यही क्रीम को अप्लाई करती हूँ विंटर्स में। मैं डेली में कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करती हूँ, फेयरनेस के लिए तो नहीं है ये, आपको एकदम फेयर वाला ग्लो तो नहीं देती है, बट हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और हमारी स्किन को अनइवन होने से बचाती है। थोड़ा बहुत फेयरनेस आता होगा बट मुझे तो नहीं लगता इससे फेयरनेस आता है। वैसे बहुत अच्छी क्रीम है ये और इसका प्राइस भी ऑनली 250 रुपीज़ है, आपको 200 रुपये में आराम से मिल जाएगी डिस्काउंट के टाइम पे। फिर मैं आपके साथ एक और शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी फेवरेट जॉनसन बेबी क्रीम। यस, जॉनसन बेबी क्रीम को मैं कहीं भी जाती हूँ ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, क्योंकि जॉनसन बेबी क्रीम जो है हमें बहुत अच्छा ग्लो देती है फेस पे। इसमें
बिल्कुल भी बहुत कम केमिकल्स होते हैं, हमारी स्किन बेबी सॉफ्ट होती है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इसी को अप्लाई करती हूँ। मैं इसको रात को अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ, लाइक अ नाइट क्रीम भी अप्लाई करके मैं इसको सो जाती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी आपके फेस पे सूट नहीं करते तो आप एक कर सकते हैं अप्लाई, जो मैं हमेशा करती हूँ, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको अपने स्किन केयर में से कभी भी स्किप नहीं करती। विंटर्स हो समर हो, हमेशा ये स्किन केयर में मेरी में ऐड रहता है। आपने देखा होगा जितने भी मेरी ब्यूटी टिप्स होती हैं ये कहीं भी नहीं जाता, ये स्किन केयर में हमेशा ही ऐड कर लो। आप अगर कुछ दिन ऐड करोगे आपकी स्किन में फेयरनेस, अनइवन, पिंपल्स सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी आपकी स्किन से। आप एक बार इसको ट्राई करो। मैं इसको अपने नाइट क्रीम भी अप्लाई करती हूँ, मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करती हूँ। मैं जब ये सब कुछ अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, कोई भी क्रीम लगाती हूँ मॉइस्चराइजर की, कुछ थोड़ा थोड़ा सा मैं सबसे पहले इसको ही अप्लाई करती हूँ, उसके बाद में मैं कुछ अप्लाई करती हूँ। जब इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ मेरी स्किन एकदम ग्लास की जैसे शाइन करती है, तो मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती हूँ अपने स्किन केयर में से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना आप कौन सी क्रीम अप्लाई करते हैं, आपकी कौन सी फेवरेट है। तब के लिए राधे राधे।